हाइड्रोकॉटिसोन नाउ हाइड्रोकॉर्टिसोन इज एन एंटी इन्फ्लेमेटोरी एजेंट ठीक है एंटी इन्फ्लेमेशन है इन्फ्लेमेशन रोकता है इसके साथ साथ इम्यूनोसप्रेसेंट ग्लूकोकॉटिकॉयड अब जितने भी स्टीरोड होते हैं वो हमारे पास ग्लूकोकॉटिकॉयड भी हो सकते हैं मिनरालोकॉर्टिकॉयड भी हो सकते हैं और ग्लूको मिनरालोकॉर्टिकॉयड भी हो सकते हैं सो हाइड्रोकॉटिसोन इज ग्लूकोकोटिकॉयड तो अगर हम हाइड्रोकॉर्टिसोन या फिर ग्लूकोकॉटिकॉयड के नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो सबसे पहले हाइपोथैलेमस होगा वहां से कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होगा ये कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर एंटीरियर पिटूट्री के ऊपर जाएगा और एंटीरियर पिटूट्री में से एसी रिलीज होगा अभी जो एसी है ये फीडबैक नेगेटिव लूप के थ्रू हाइपोथेलमस को इनहिबिट भी कर सकता है या फिर ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास जाए और एड्रीनल कॉर्टेक्स में से स्टीरॉयड्स की रिलीज को प्रोमोट कराए स्टीरॉइड्स में आ सकता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी और मिनरेलो कोर्टिकॉयड भी अभी जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है इसके कुछ पेरिफेरल इफेक्ट्स हैं मेटाबॉलिक इफेक्ट्स भी हो सकते हैं एंटी इफ्लेमेटोरी इफेक्ट्स भी हो सकते हैं इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और फीडबैक नेगेटिव लूप के थ्रू ये एंटीरियर पिट्यूटरी को भी इनहिबिट करेगा और साथ साथ हाइपोथैलेमस को भी इनहिबिट करेगा उसके अलावा अलावा मिनरेलो कॉर्टिकॉयड भी हो सकते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉयड जो है वो सॉल्ट और वाटर रिटेंशन से रिलेटेड है और इसको रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम भी रिलीज़ करवा सकता है

जीन्स के साथ जाकर ये कंप्लेक्स बना देगा अब इस कंप्लेक्स बनाने की वजह से जो जीन का एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसकी वजह से क्या होगा देर इज़ इनहिबिशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सम जीन्स अब वो जीन्स कौन से हो सकते हैं वो जीन्स साइक्लॉक्सीजन पाथवे में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसकी वजह से एंटी इन्फ्लेमेटोरी प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं साइटोकाइंस बनाते हैं वो जीन उनको भी इनहिबिट करेगा और इसके अलावा जो जीन्स इंटरल्यूकिन बनाते हैं उनको भी इनहिबिट करेगा इसके साथ साथ और क्या करेगा इनको तो इनहिबिट कराएगा साथ साथ कुछ की सिंथिसिस भी करवाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल साइक्लिक ए एम पी डिपेंडेंट काइनेज की सिंथेसिस करवाएगा इसके अलावा प्रोटीन्स हो सकती हैं फॉर एग्जांपल एनेग्जिन वन इस सब की भी सिंथेसिस करवाएगा जिसकी वजह से स्टीरोइड्स के कुछ ना कुछ इफेक्ट्स जो होंगे वो हमें मिलेंगे तो अगर हाइड्रोकॉर्टिसोन के फॉर्म एक्को काइनेटिक्स की बात करें इट इज शॉर्ट एक्टिंग गिवन ओरली और बाई इंजेक्शन और टॉपिकली अफेक्ट्स जो होंगे वो दो से आठ घंटे के बाद शो होंगे क्यों क्योंकि दो से आठ घंटे में हमें कुछ ना कुछ प्रोटीन मशीनरी चाहिए उसकी सिंथेसिस होगी और साथ साथ कुछ एंजाइम्स चाहिए क्लिनिकल यूज़ स्टीरॉइड्स का या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का या फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन का इट इज़ यूज इन द इन्फ्लैमेटोरी कंडीशन जहाँ पर अरेक्टोनिक एसिड जो होता है वो चेंज होता है साइक्लो में भी और लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे में भी इस अरेक्टोनिक एसिड को चेंज कर होता है फॉसोलाइपेजनजाइम ए टू और ये स्टीरॉयड जो होता है इसको ब्लॉक करता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी ब्लॉक हो जाते हैं सो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में हम स्टीरॉयड यूज़ कर सकते हैं हाइपर सेंसिटिविटी में और ऑटो इम्यून डिजीजेस फॉर एग्जाम्पल रोमोटाइट आर्थराइटस एजमाऑस्टियोप्रोसेज एनाफाइलैटिक शॉक वगैरह उसके अलावा ग्राफ्ट रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए भी हम स्टीरॉयड्स दे सकते हैं क्योंकि ग्राफ्ट रिजेक्शन भी एक इम्यून प्रोसेस है उसके अलावा कैंसर्स में स्टीरॉयड्स दे सकते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी इन एड्रीनल फेलियर सप्रेशन ऑफ रिस्पांस टू इन्फेक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड डेफिशिएंसी अब अगर टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट्स की बात करें तो उसमें कैटरेक्ट है बफेलो हंप है मून फेस है और एब्डोमिनल फैट है अब होता क्या है कि जितना भी बॉडी में फैट है उसका कैटाबॉलिज्म करवाते हैं और साथ-साथ कुछ जगहों पर फैट जो है वो डिपॉजिट भी कराता है इसमें से जो डोमिनेट प्रोसेस है वो फैट की कैटाबोलिज्म है अब होता क्या है कि मुंह के अंदर और पेट के अंदर जो फैट है वो डिपॉजिट होता है और बाकी सारी बॉडी में जितना भी होता है वो उसका कैटाबोलिज्म होता है इसके साथ साथ प्रोटीन्स मिलेगी प्रोटीन्स की कैटाबोलिज्म कराएगा काव्ज होंगे काव्स के कटाबोलिज्म वगैरह कराएगा फैट्स की कैटाबोलिज्म कराएगा ब्लड में जो कार्बोहाइड्रेट्स के लेवल्स है वो इंक्रीज कर देगा ब्लड में शुगर ज़्यादा होगी लेकिन उनकी अपटेक को इनहिबिट कर देगा इसके अलावा ईजी ब्रूजिंग हो सकती है स्किन जो है वो बिल्कुल पतली हो जाएगी पिटेकियल रैश वगैरह हो सकते हैं इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है पुअर वूंद हीलिंग होगी क्यों क्योंकि ये सारा जो साइक्लॉक्सीजन इस प्रोसेस है उसको इनहिबिट कर देगा हीलिंग को रोकता है इन्फ्लमेशन को रोकता है फाइब्रोसिस वगैरह को रोकता है सो दे इस पोअर वूड हीलिंग उसके अलावा थिन आर्म्स होंगी और लेग्स होंगी क्यों क्योंकि मसल का कैटाबॉलिज्म हो रहा है उसकी वजह से मसल वेस्टिंग हो रही है और अगर बहुत ज़्यादा यूज़ किया टॉक्सिसिटी हो होगी तो उसकी वजह से क्या हो सकता है एट्रोजेनिक Cushing's syndrome.